हम रहते हैं दोस्तों, इनको कमेंट करने नहीं देते हैं, लेकिन ये जो है हम नहीं रहते हैं तो पढ़ लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से, और लेकर के आए हैं आज हम फिर से आरती जी के ऊपर एक व्लॉग, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी, मेरी बातें अच्छी लगेंगी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आरती जी आज कितनी ज़्यादा दुखी हैं। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया कि वो रो रही हैं और इनको सांत्वना दे रहा है इनके हस्बैंड मनु, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमेशा इनके लिए खड़े रहते हैं, हमेशा इनकी ढाल बन के खड़े रहते हैं। इनके जैसा हस्बैंड सबको होना चाहिए, जो अपनी बीवी के लिए इतना सब कुछ करते हैं। लेकिन आप लोग, हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर पब्लिक चाहती क्या है। लड़की मर जाए, क्या करे, किसी तरह से तो अपने आप को संभाली, किसी तरह से थोड़ा सा हंसना शुरू किया। बेचारी का पूरा परिवार छूट गया, फिर उसके बाद प्यार छूट गया, सब कुछ तो इसका छूट गया। वो अपने माँ बाप को किस दिल से, किस वजह से, कितना कुछ देखते हुए सोचते हुए तब जाकर के छोड़ करके सबको एक ऐसे घर में गई जहाँ पे उसका प्यार पहले ही ख़त्म हो चुका, कोई भी नहीं था। इसको ये भी अंदर से डर रहा होगा कि घर वाले इनके क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन सब चीज़ को अनदेखा करते हुए, सही और गलत को देखते हुए, कि इनके घर वालों ने इनके प्यार को इस तरह से ख़त्म करके, किसी के बच्चे को ख़त्म करके कितना बड़ा गलत काम किया, कितना बड़ा गुनाह किया, वो देखते हुए ये नहाते रही और अपने प्यार के नाते, सच्चाई के नाते आकर के उस लड़के के घर में रहेंगे जिससे ये प्यार करती थी, जिसके साथ जिन्हें मैंने कसने खाई थी। भले वो नहीं रहा, लेकिन ये उनके परिवार के साथ क्यों नहीं, क्योंकि इनके परिवार के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो सब अपने गुनाह की सज़ा काट रहे हैं, ना कि इनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों, जैसे इनके परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, छोटू के माता पिता और उनका भाई कुछ नहीं बोल रहा, तो आप लोग भी प्लीज़ इनका सपोर्ट कीजिए, इनका साहस बढ़ाइए, इस तरह से इनको रोज़ रोज़ तोड़िए मत। आके कमेंट आप अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा क्यों लिखते हैं। बहुत मुश्किल से वो संभल पाई है, उसको एक सहारा मिला है, तो उसको जीने दीजिए और खुद भी जीए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने गलती नहीं की हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर गलती हो गई तो उसी गलती को पकड़ के ज़िंदगी भर बैठे रहो, रोते रहो, मर जाओ, लेकिन ज़िंदगी में आगे मत बढ़ो। तो दोस्तों, अगर मेरी बात गलत लगी हो तो बोलिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।